नमस्ते सत श्री अकाल आदाब किंचो। तो दोस्तों आप लोग सब कैसे हैं। आज का हमारा टॉपिक है गोस्ट एक्सप्रेस मतलब भूतिया ट्रेन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक अंधेरी रातों में चल रही थी एक भूतिया ट्रेन। इस ट्रेन का पटरी गहरी अंधेराओं में डूबा रहती थी और अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी, इसलिए इस ट्रेन का नाम है गोस्ट ट्रेन। डर के कारण से इस ट्रेन में कोई भी सवारी सफ़र नहीं करना चाहता था। पर एक दिन एक युवा ने फैसला किया था कि गोस्ट एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र करेगा और मिस्ट्री को सॉल्व करेगा। ट्रेन में चढ़ने के कुछ ही देर बाद इस युवा को एक डरावनी शक्ल दिखाई देता है जो उसे डराने का कोशिश करता है। तो युवा ने ट्रेन की सफ़र शुरू की और एक डर का माहौल शुरू हुआ, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। कुछ दूर जाते हुए वो अचानक से फिर से एक डरावनी चेहरा देखा। वो चेहरा मुस्कुरा रहा था, पर वो मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा खौफ नज़र आ रहा था। ट्रेन तो आगे बढ़ते ही गई और ये युवा ने कई और भूतिया चेहरों को देखा, पर अंधेरे में कुछ साफ नज़र नहीं आ रही थी। इस युवा को एक अजीब सी एहसास हो रहा था जैसा किसी ने उसे देख लिया हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक आवाज़ आई कि इस ट्रेन का ऐसे हल करने का पीछे कौन है। अचानक से एक आत्मा दिखाई दी ट्रेन का रोशनी में। इस आत्मा ने कहा, मैं इस गोस्ट ट्रेन एक्सप्रेस की आत्मा हूँ और ये ट्रेन उन लोगों की आत्माओं का सफ़र है जो जुर्म में अपने आप को खुद खुशी करके मर जाते हैं। अब आत्मा ने पूछा इस युवा से, यहाँ क्या करने आए हो तुम। इस युवा ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं इस ट्रेन का रहस्य पता लगाने आया हूँ। मैं ये समझना चाहता हूँ क्या ये लोगों की बुराइयों का प्रभाव है या कुछ और है इस ट्रेन के राज के पीछे। आत्मा ने मुस्कुराया और उस युवा से सारा रहस्य बोल दिया। आत्मा ने बताया कि हर चेहरा जो उसने देखा था वो एक इंसान का गुनाह था जो आत्मा बनकर भूत ट्रेन पर सफ़र कर रहा है अभी तक। अब इस युवा ने समझा कि ये भूतिया ट्रेन की जगह ये एक कार्मिक ट्रेन है। फाइनली युवा ने ट्रेन से उतरा पर अपना सफ़र का अगला कदम उठाया, लेकिन वो तब से कभी भूल नहीं पाया उस खौफनाक सफ़र को जो गोस्ट एक्सप्रेस में अनुभव किया था।